दोस्तों नमस्कार। हम फेस टू फेस चैनल एक बार फिर हरिद्वार के ब्लॉक बहादराबाद का गांव गढ़ी संघीपुर में आए हैं और यहां पर ग्राम पंचायत का इलेक्शन चल रहा है और यहां पर जितने लोग बैठे हैं अलग अलग ग्रुप से हैं, अलग अलग पार्टी से हैं। आज हम ये ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहते हैं कि कौन किस कैंडिडेट के साथ है और किसका नजरिया किसके साथ है। यही रिपोर्ट जानने के लिए हम यहाँ गढ़ी संघीपुर में आए हैं और बात करते हैं। एक कैंडिडेट बैठे हैं, उनकी वाइफ यहाँ से प्रत्याशी है प्रधानी की, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर वेलकम, आप अपना नाम बताइए। मुंतजिर। अच्छा, आपकी वाइफ जो यहाँ पर कैंडिडेट प्रधानी का इलेक्शन लड़ रही है उनका नाम बताइए। इमराना। इमराना, इमराना लड़ रही है। और मुस्तफा जो एक सामाजिक चेहरा है यहाँ पर, जो समाज के साथ सुख दुख में रहते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उस चेहरे की अपनी एक पहचान है, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, उसी पहचान पर ये इलेक्शन लड़ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ का क्या रुझान है और ये जनता, ये पब्लिक, ये लोग किसके साथ है। हाँ जी बताइए आप। ये एक मौलाना साहब है, हम इनसे ही बात करते हैं। मौलाना साहब वेलकम। वेलकम, शुक्रिया, आप हमारे यहाँ ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर हम जानना चाहते हैं ये गढ़ी संघीपुर में जो इलेक्शन होने जा रहा है ग्राम प्रधानी का, इसकी मतलब एक सिचुएशन क्या है, इसकी समीकरण क्या है? सर इसका समीकरण इस बार 80-20 का है, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा धुनेन्दर नौजवान जो 24 घंटे जनता के लिए खड़ा रहता है। अगर रात को 2 बजे आप उसको फोन करेंगे तो वो नेकर में मिलेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, वो अपनी शर्ट भी नहीं पहनता, बनियान और कच्छे में जनता के बीच में आता है। इसलिए मुस्तफा भाई के नाम पे आज चुनाव हो रहा है, अलबत्ता उसकी भाभी का पर्चा है, लेकिन सब चुनाव उसी के चेहरे पे हो रहा है। मुस्तफा के चेहरे पर यहाँ चुनाव है, लेकिन मौलाना साहब ने जो बात कही है उसकी तस्दीक करना चाहते हैं यहाँ पर लोगों से, तो आप बताइए जो मुस्तफा भाई के बारे में जो यहाँ पर बताया जा रहा है सामाजिकता उनकी, उसमें आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता मुस्तफा है, सब बच्चा बच्चा मुस्तफा है, मुस्तफा की इंशाल्लाह जीत हो रही, हर एक कार्यकर्ता मुस्तफा के नाम पे चुनाव लड़ रहा। और इधर एक शख्स और बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं, आप बताइए मुस्तफा और उनकी भाभी, यानी भाभी इलेक्शन लड़ रही है लेकिन मुस्तफा एक यहाँ का रेप्यूटेड फेस है, एक सामाजिक फेस है, तो थोड़ा सा बताइए सर क्या? देखो मैं, आप लोग आए यहाँ पर मीडिया वाले, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। ये जो मुस्तफा भाई है हमारे गढ़ी संघीपुर में प्रधानी का जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक नया चेहरा उभर कर आया है, लोगों की दुख परेशानी में सबका साथ देते हैं, तो सब जनता मिलकर इनको पूरा समर्थन पूरा सपोर्ट दे रही है। अच्छा सर, साथ का मतलब बताइए क्या है? क्योंकि भौतिकवादिता की चलती इन आंधियों में, जहां भौतिकवादिता ने हर चीज को, यहां तक के इलेक्शन की गरिमा को भी गिराया है, तो उस ऐसे माहौल में जो एक जज्बाती आप बात कर रहे हैं कि लोग दिल से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, उनकी व्याख्या कीजिए सर। ऐसा है, जो हमारे जो प्रधान है मौजूदा, वो बहुत काफी दिनों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो लोगों के बागों की मतलब जो लोग बाग है उनकी दिलों को ठेस पहुंची है, मतलब उनसे मतलब जो समर्थन मिलना चाहिए था, प्यार मिलना चाहिए था, आते उनके दिलों को ठेस पहुंची है। बहुत अहम बात उठाई है, क्या आप बताएंगे कि वास्तव में जो ये हाफिज साहब मौलाना साहब बैठे हैं कि उनके दिलों को ठेस पहुंची है और वहीं से निकला है एक चेहरा जिसको मुस्तफा कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बोलिए, जल्दी से बोलिए सर। मुस्तफा ठीक हो जी, क्या एक लोगों के दिलों पे ठेस पहुंचने के बाद वो चेहरा निकला है? जी सही निकला, वो चेहरा इंशाल्लाह कामयाब होगा जी। अब आप बताइए, आपने काफी बार वोट डाला होगा और कितनी मर्तबा वोट डाला होगा, तो वोट का मतलब क्या है आपके हिसाब से? वोट का मतलब तो भाई विकास के लिए ही हो, अरे विकास हुआ नहीं, ये विकास करोगे मुस्तफा भाई, इनके ही साथ जुड़े हैं। नौजवान से बात करते हैं, आप वोट किस बेस पे देना चाहते हो, मुस्तफा चेहरे को या उनकी भाभी को? जो एक मुस्तफा कैंडिडेट आया है वो एक ईमानदार कैंडिडेट है, पहले भी और यहाँ इलेक्शन लड़े, कारी साहब तो पहले से ही चुनाव लड़ते आ रहे, लेकिन ऐसा कोई जनता का समर्थन नहीं हुआ। एक ईमानदार कैंडिडेट है आज के जमाने में, जबकि ईमानदारी की परिभाषाएं भी बदल चुकी है, हम जानना चाहते हैं कि वो अगर ईमानदार है तो मुस्तफा भाई ईमानदार है, तो उनकी ईमानदारी का मतलब क्या है, थोड़ा सा और जानना चाहते हैं सर, आप बताइए जी। आप बताइए, मुस्तफा जी के बारे में बता रहे हैं कि ईमानदार है, उस ईमानदारी की व्याख्या करिए, उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करिए। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ उसकी ईमानदारी की। यहाँ से भी कुछ दिन पहले हमारे गांव के एक बच्चे का अपहरण हो गया था और पुलिस भी मेरे ख्याल से वहाँ जो है ना नाकाम हो रही थी उसको ढूंढने में, तलाश करने में। ये मुस्तफा भाई अपनी जान के आड़े करके उसको हरियाणा से ढूंढ के लाया है,
हरियाणा से ढूंढ के लाया है, इसका उसमें कोई फायदा नहीं था। जो बच्चा किडनैप हुआ, अपहरण हुआ जिस बच्चे का, वो बच्चा कौन सी पार्टी से था? पार्टी का यहाँ कोई मतलब नहीं, वो उससे मुस्तफा से उसका कोई लेना देना भी नहीं था, मुस्तफा से उसका कोई लेना भी देना भी नहीं था, लेकिन वो मुस्तफा के इस कार्य को देखकर आज मुस्तफा के गुणगान कर रहा है और रात दिन उसके लिए काम कर रहा है। यहाँ एक बात और निकल के आ रही है कि आज भी हिंदुस्तान में इलेक्शन, चाहे वो ग्राम प्रधानी का हो या कहीं 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 ना कहीं मुद्दा उसका जज्बाती मुद्दा होता है, तो सर आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ का जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में कौन कैंडिडेट, कौन प्रत्याशी फाइट में है, कौन आगे है, कौन पीछे? देखिए, गढ़ी संगीपुर से प्रधानी के दो चुनाव लड़ रहे हैं, दो मैदान में है और हमारा किसी से कोई टक्कर नहीं है। हम गढ़ी संगीपुर से प्रधानी का चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। और रही मुद्दों की बात, गढ़ी संगीपुर में लाइट का और नाले का या सड़कों का कोई भी मुद्दा हो, इंशाल्लाह पूरी पंचायत से पूछ के और मीटिंग करके विकास करा जाएगा और इस गांव में, पूरी पंचायत में प्यार और मोहब्बत का पैगाम चलाया जाएगा। जी, आप ये बताइए, जैसा कि एक गरिमा, जो इलेक्शन की गरिमा होती है, उस गरिमा को मुस्तफा के नजरिए से आप सब लोग देख रहे हैं, उसने उठाया है सामाजिकता में, तो उस गरिमा को और दूसरे क्या तरीके हैं यहाँ पर जो आप उठाना चाहते हैं? देखिए, उस गरिमा को देखते हुए यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे गरीब लोग हैं, उनका आधार भी है, राशन कार्ड के मुद्दे है, जैसा कि यहाँ राशन मिलता है, एक राशन पे सात यूनिट मिलते हैं। लगभग कई सालों से एक यूनिट को राशन, ये डीलर जो है किसी गरीब बंदे को दो यूनिट खा लेते हैं। जब से मुस्तफा भाई प्रधान बनेंगे, गरीबों को उनका पूरा हक दिलाया जाएगा, चाहे वो शौचालय का हो, जितना भी ब्लॉक से उनका हक आएगा वो पूरा ये पूरा हक दिलवाया जाएगा। ये इस चेहरे की बात हो रही है जो सामाजिकता पर है और समाज में लगातार इस चेहरे की पहचान बनती जा रही है। कुछ लोगों ने कमाल की मिसाल की है, अभी कुछ और साथी बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, गढ़ी संगीपुर में जो इलेक्शन हो रहा है उसका आपका नजरिया क्या है, आपका ख्याल क्या है? मेन मकसद जो हो तो विकास के मुद्दे वो जनता जो हो तो मुस्तफा की तरफ आकर्षित हो। इन्होंने पहले भी जनता के पक्ष में थोड़े बिना प्रधान बने हुए कुछ कामकाज बहुत सारे कर रखे। मुस्तफा के सरोकार यहाँ के आमो खास से है। जी 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 जी, किस तरह के सरोकार हैं, मतलब किस तरह से वास्ते हैं? जैसे मतलब किसी को कोई परेशानी हो गाड़ी की, कोई दुख तकलीफ हो जाए गाड़ी वो लेने के लिए, वो डॉक्टर साहब के पास भी कोई भी टाइम हो, वो इस तरह किसी को कोई मना नहीं है पूरे आसपास के गाँव तक भी। क्या आप भी इस बात की तस्दीक करते हैं? भाई यहाँ से मुस्तफा जो पहले भी यहाँ से जिला वो उसका बैक का जो चेयरमैन हो, वो सबको यहाँ से खाद खोद भी सबको दिवाओ और हर कोई यहाँ पर। मुस्तफा एक ऐसा चेहरा है जो संघी गढ़ीपुर में यहाँ पर उभरता हुआ चेहरा है, उस चेहरे के लिए ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है मुस्तफा जी के लिए। और एक शख्स और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं कि मुस्तफा के बारे में उनका क्या ख्याल है, इस गांव का जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में उनका क्या नजरिया है? मैं तजर्बा किया हूँ अपनी जिंदगी में, मेरे फादर और मेरे ताया मेरे दादा हमेशा उस ग्रुप के साथ रहे जो फिलहाल यहाँ प्रधान है। ये आज तक जो है दूसरे जो वर्तमान में प्रधान है उनके साथ रहे हैं, ये मुस्तफा की लोकप्रियता है कि इस बार ये मुस्तफा के नाम पे मुस्तफा के साथ दिलो जान से खड़े हो गए। इनका पूरा परिवार इस बार मुस्तफा को वोट दे रहा है। आज से पहले ये जो वर्तमान में प्रधान उनके साथ रहे हैं, आज ये जो है मुस्तफा के साथ हैं, ये भी मुस्तफा की लोकप्रियता की एक मिसाल है। और ये यहाँ पर बहुत शानदार रिपोर्ट निकल के आई है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी ने मुस्तफा एक ऐसा चेहरा है जिसको लाइक किया है, पसंद किया है, जिसको अपने दिल से चाहा है। और सभी लोगों की रिपोर्ट निकल के आती है कि कहीं ना कहीं मुस्तफा जो चेहरा है उस चेहरे पर वोट मिलेगा और प्रधानी का इलेक्शन वो जरूर जीतेंगे। एक बार सब लोग क्लैपिंग और तालियां बजाइए। और इसी के साथ अब हम अपनी बात पूरी करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।